हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड करते हैं और आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिलता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और वीडियो पर क्लिक करूँगा अपलोड अ वीडियो, और यहाँ पर मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ और राइट करके और अपलोड कर देता हूँ। मैंने किसी वीडियो को अपलोड किया, जैसे आपने भी अपलोड किया। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे योर अपलोड वीडियोस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे, देख सकते हैं, ये एरर मिला है, टू मैनी स्ट्राइक ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक यू कैन नॉट अपलोड वीडियो एट दिस टाइम। दोस्तों, ये एरर देखने के लिए मिलता है। तो ये एरर क्यों देखने के लिए मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होती है तब आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों, जब भी आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है तब आप अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल थ्री डॉट पर क्लिक करके डिलीट अपलोड कर देता हूँ। अब दोस्तों, जब भी आपके चैनल पर कोई भी, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ अगर कोई भी, अगर आप कंटेंट डालते हैं, तो अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक अगर मिलती है, जैसे आपको अगर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली, जैसा कि मेरे चैनल पे अभी आ चुकी है और ये मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी मेरे चैनल पर अपलोड नहीं होगी, कुछ टाइम बाद अपलोड होगी। तो आप समझ ही सकते हैं मैं कितना पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पर मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, मतलब एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, इसलिए मुझे 7 दिनों के लिए बैन किया गया है कि मैं 7 दिन तक अपने चैनल पर ना ही किसी पोस्ट को अपलोड कर सकता, ना ही किसी शॉर्ट को, ना ही लाइव कर सकता, ना ही किसी शॉर्ट वीडियो या फिर किसी भी लॉन्ग वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पर 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होती हैं तो आप 2 वीक के लिए बैन हो जाओगे। 2 वीक तक आप ये कुछ नहीं कर पाओगे, वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाओगे, शॉर्ट, लाइव वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके चैनल पर 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती हैं तो आपका जो चैनल है वो डिलीट हो जाता है। ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, सभी को पता होगा। लेकिन आपको ये एरर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एरर आपको इसीलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आपके चैनल पर 1 कम्युनिटी गाइडलाइंस एक्टिव है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कितने कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं वो एक्टिव हैं अभी, यानी हैं, तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ और अपनी जो आईडी है चैनल की वो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर दूँगा। फिर डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल के लोगों पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर कोने में, तो ये जो चैनल का लोगो है मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं चैनल पे लोगो पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन किया, तो यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब मेरे चैनल पर अभी 1 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है जो कि एक्टिव है अभी, और अभी मुझे 7 दिनों के लिए बैन किया गया है। और ये कब तक हटेगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा सेटिंग्स पर क्लिक। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा चैनल्स पर। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा फीचर एलिजिबिलिटी पर जाऊँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल डिसेबल लिखा हुआ है सभी जगह। मैं किसी भी फीचर को, यूट्यूब के जितने भी यहाँ पे फीचर हैं जो कि इनेबल होते हैं, मैं अभी किसी भी फीचर को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है वो अभी जो मेरे चैनल पर एक्टिव है। अब मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मेरे कंटेंट हैं वो दिखाई जाएंगे जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने वीडियो डाली है उस पर स्ट्राइक मिला हुआ है, और ये जो एक्सपायर होगा स्ट्राइक वो कब होगा यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। जैसे मुझे 3 जुलाई 2022 को मिला है अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जो मिली है, और यहाँ पर एक्सपायर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो 3 जुलाई 2022 को मिली है और 1 अक्टूबर को जो है वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है वो हट जाएगी, लेकिन 7 दिन तक जो है वो मैं अभी कंटेंट अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और जो कंटेंट है वो सिर्फ 7 दिन के लिए बैन है। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है वो अभी तक बनी रहेगी, 1 अक्टूबर को जो है वो हट जाएगी। तो आप टाइम देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलती है तो आपको अपलोडिंग में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, जो आप वीडियो जो हैं अपलोड करते हैं वो अब आप अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि आपके जो चैनल पर है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक है वो अभी एक्टिव है। तो एक्टिव रहती है वो तो रहेगी, आपको 7 दिनों के लिए बैन भी किया जाता है। अगर 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होंगी तो आपको 2 वीक्स के लिए जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अगर आपके में अपलोड नहीं हो रही है ये वीडियो, तो आप चेक कर लीजिए कि आपको
दो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली हैं या फिर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली है। अगर तीन मिलती हैं तो फिर आपका चैनल जो है वो डिलीट ही हो जाएगा। तो अगर आपके में एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होगी तो आप आगे ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कॉन्टेंट ना डालें, जैसे कि मैंने भी कॉन्टेंट डाला था। तो अब आप अपनी वीडियो जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी डालें और जो कंटेंट है वो ऐसा ना डालें जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो। और आपको ये एरर देखने के लिए मिल रहा है, ये जो एरर है वो आपका फिक्स हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए कब आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिली, उसके 7 दिन बाद जो है वो आपका जो अपलोड का जो एरर है जो अभी शो हो रहा है जब भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं तो वो फिक्स हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।